Hello, hi, hello everyone, how are you today? I am Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education, welcome. 10 बजे लाइव हैं, रात को हमसे काम करा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ आओ आओ. अब बताओ क्या कहते हैं, सवाल क्या है आपके? लोग जो पहले 10 लोग आएंगे, 10 लोगों के सवालों का जवाब दिया जाएगा, तो फटाफट आइए, सवाल पूछिए. और अगर आपके सवालों के जवाब यहाँ नहीं देते हैं तो कल आइए, कल भी आएंगे, हम कोशिश करेंगे रात को 10 बजे आने की, सवाल पूछने की, राइट? तो मुझे जी वेरी गुड, आप हमें देखने आए, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. सो एवरीवन वेलकम वेलकम वेलकम, बेल का आइकन दबाइए, पहले आइए, सवाल पूछिए और आंसर पाइए. सो अब तक हमने बताइए, सुबह से आज इतना बिजी था कि हमने खाना नहीं खाया. मौका मिला पर मौका ही नहीं मिला, मतलब कहने का मतलब. अब जाके खाना आया है, पता नहीं कहाँ से. इंस्टाग्राम पे एक हमने उसके बारे में एक सॉन्ग भी डाल दिया, बताइए, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, बड़ा ज़ोरदार सॉन्ग है. तुक्के में निकल, मतलब तुक्के में नहीं कहना चाहिए, मतलब आ गया मन में, तो हमने गा दिया. तो ज़रूर चेकआउट करिएगा. मीनवाइल हम आपके आंसर्स दे देते हैं. और भाई साहब जी, प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, जिन जिन बंदे ने क्वेश्चन पूछा है, मेक श्योर करिए कि क्वेश्चन के बारे में कोई वीडियो है तो वीडियो पहले जरूर देख लीजिए करिए. राइट, सो नीरज जी का पहला सवाल ले रहे हैं हम. जनाब नीरज जी पूछ रहे हैं, एक्नी केलोइडालिस न्यूचनैंस, वही सर नाम लेने में थोड़ा मुश्किल है, वैसे ही बैक ऑफ द हेड पे आपको एक्नी है, ये केलोइड वाला एक्नी है. इन ऑर्डर टू क्योर दिस, डॉक्टर हैज रिकमेंडेड मी टू टेक स्टीरॉयड इंजेक्शन, हाउ विल दिस इफेक्ट माय बॉडी? ऑल राइट, डर्मेटोलॉजिस्ट ने अगर आपको इन्फेक्ट ये बोला है तो वो इंजेक्शंस नॉर्मली आपके, क्योंकि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बिकॉज एक्नी, सॉरी, एक छोटे एक्नी के बन चलते आपको हो जा रहा है ये बड़ा केलॉइड जैसा हीलिंग में, राइट? इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप ले लो स्टीरॉयड, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी करनी होगी थोड़ी शांत, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी हो रही है बहुत ओवर एक्टिव, कि भाई साहब मेरे जैसे नहीं होता कि एक जरा सा दंग वो हुआ और गोलीबारी शुरू, वैसे ही काम हो रहा है आपके अंदर. इसीलिए आपको बॉडी को स्टीरॉयड देने की बात हो रही है. सो कुछ वक्त के लिए स्टीरॉयड लेने में कोई नुकसान नहीं है डॉक्टर की निगरानी के अंडर, लेकिन लंबे समय के लिए आप स्टीरॉयड नहीं लेंगे, तो ये आप करवा लीजिए. और अगर लंबे समय के लिए स्टीरॉयड की बात आती है तो फिर आप हमसे बात करिएगा. राइट, आई होप आपको समझ आई क्या बात बोल रहा हूँ. अगर नहीं समझ आई है तो जाके हमारा स्टीरॉयड वाला वीडियो देखिए, या फिर बेसिक चीज़ है कि आपकी बॉडी जो है एक्ने को हील करने के लिए, हीलिंग पावर तो होता ही है, तो हीलिंग में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए इम्यूनिटी कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए केलॉइड जैसा बन जाता है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा कोलेजन बन रहा है. सो ये इम्यूनिटी को शांत करने का एक तरीका वो भी है, ऑल्दो वो एक ही तरीका नहीं है, बट हाँ, अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपको डाउट है तो आप सेकेंड ओपिनियन ले लो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से, अगर वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट कहता है कि नहीं यही सही है तो फिर कराओ, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, टेक अ सेकेंड ओपिनियन, ओके? क्योंकि ये ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन वाली चीज़ों को देखना जरूरी होता है. ऑलराइट, सो डू दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीत कुमार दास जी, टाइप 2 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्लीज़ जनाब एक बार वीडियो में, यानी हमारे चैनल पे सर्च कर लीजिए, डायबिटीज़ टाइप 2 का ट्रीटमेंट पूरी विस्तार से, पूरे जी जान से हमने ऑलरेडी बताया है. उसके ऊपर मेरे ख्याल से कम 15 वीडियो है, लेकिन हम आपसे दो ही वीडियो देखने की दरख्वास्त करेंगे. नंबर 1 नंबर 2, एपिसोड नंबर 1 एपिसोड नंबर 2 डायबिटीज सीरीज, शुगर सीरीज है हमारी, मंजीत जी प्लीज़ देख लीजिए. आपको उसके बाद कोई सवाल रहेगा तो ज़रूर पूछिएगा. और राइट, ओके. तरुण जी, हेलो डेली जी, डेली रिव्यू जी, डेली डेली रिव्यू जी हेलो, और तरुण सुखीजा जी को हेलो. फिश ऑयल ले सकते हैं क्या? फिश बॉइल और विटामिन, ऐसा है, फिश ऑयल ले सकते हैं. बेसिक चीज़ आपको जो फिश ऑयल से चाहिए वो उसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. सो ओमेगा 3 फैटी एसिड आप चाहे फिश ऑयल से लो, चाहे सीड से लो, चाहे फ्लैक्सीड से, चाहे चिया सीड से लो, चाहे आपकी मल्टी विटामिन में वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कौनों फर्क नहीं पड़ता है. तो तुम मतलब ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो, दिन में एक, ओके, दिन में एक फिश ऑयल, दिन में एक मल्टीविटामिन, दिन में वो ले सकते हैं कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए ले सकते हो. मगर अगर डाइट में मच्छी खा रहे हो, या डाइट में फ्लेक्सीड खा रहे हो, या कोई इस तरह का मान लो कोई ऑयल है, कैनोला ऑयल है, सरसों का तेल है, तो इनमें ओमेगा 3 काफ़ी थोड़ा बहुत है, तो रेगुलर लेने की ज़रूरत नहीं है. सो इसलिए हर एक का रिक्वायरमेंट सेम नहीं होता, इसलिए ऑल्टरनेट डे ले लो, ज़्यादा बेहतर है. राइट, दैट्स द आइडिया. ऑलराइट, बाकी तो
आपका अपने आप अंदर झांक के देखना पड़ेगा। मेरा ऑयल वाला सीरीज देखोगे तो समझ जाओगे, ऑयल बाय डॉक्टर एजुकेशन डालोगे तो उसमें मेरे ख्याल 4 एपिसोड है हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऑलराइट, हेलो डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेरी हंग्री, नॉट हंग्री आई वुड से, सुबह से आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, couldn't eat because I was very busy. So because there was 2-3 patient very serious. अभी एक सेकेंड पहले मैं एक पेशेंट की 200 की हार्ट रेट PSVT को पक से डिफिबल वो क्या बोलते हैं रिवर्ट करके आया हूँ, इंजेक्शन दे के होते हैं, सो बस उसको रिवर्ट करके आपके पास दौड़ के आ गए हम, बिकॉज लेट हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं पहले आपको अपडेट करता था कि टाइम लगेगा, लेकिन वो पेशेंट ने कहा कि मुझे भर्ती नहीं होना, सो अब उसने एडमिट नहीं होना, तो फिर उसको फिर हमने बोला ठीक है बेटा, फिर तू रुक यहाँ पे, तेरे को भर्ती नहीं होना तो जा, चिंता ना कर, क्योंकि आगे की जिम्मेदारी आपकी है, अगर हॉस्पिटल में हो तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर हॉस्पिटल के बाहर जाना है, नहीं हमारी बात सुननी, तो फिर तो हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमने उसको समझा दिया बेटा क्या करना है, आगे क्या करना है, वो कहता है कि सर हम आपसे मिलते रहेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, बाकी तो उसकी मर्जी। सो दैट इज द आइडिया, ऑलराइट, दैट इज व्हाट आई एम राइट नाउ। अभी मेरा खाना पड़ा हुआ है, आपसे बात करूंगा फिर खाना खाऊंगा, ऑलराइट। और इसी बात पे मेरा वीडियो देख लीजिएगा इंस्टाग्राम पे जाके, आई हैव sung a song once again, सो प्लीज वॉच इट। फंगल इन्फेक्शन इन डाइट क्या है? वाह, फंगल इन्फेक्शन में डाइट क्या है? अरे जनाब, विटामिन सी, only thing which you require is vitamin C and omega 3, right? vitamin C and omega 3, basic thing, fungal infection हो या कोई भी infection हो, basic diet उसमें चाहिए कि आपकी immune system बढ़िया हो, immunity अच्छी हो, तो immunity अच्छी करने का vitamin C, दही, omega 3 और आपको चाहिए पानी, पानी चाहिए, because और एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, dryness, sorry, मॉइस्चर नहीं रखना है जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन हो। फंगल इन्फेक्शन होता है जहाँ दो जोड़ एक साथ जुड़ते हैं और यहाँ बीच में अंगूठे के बीच में यहाँ पे बंद रहता है, बंद रहता है तो वहाँ मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर में फंगस ग्रो होता है और फंगस फैल जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन के बारे में हमारा वीडियो देखिए, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक ऐसी डाइट नहीं है जिससे फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो, उसके ऊपर से ही ख़त्म करना होता है, उसके ऊपर कुछ भी अंड भसंड लगा देने से वो ठीक नहीं होने वाला। आई मीन इन डाइट वेज लोग उसके ऊपर नींबू निचोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, एप्पल साइडर विनेगर लगा देते हैं, उन सब चीज़ों में हो सकता है कुछ एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो, लेकिन उस समय फंगल की वजह से आपकी ऑलरेडी स्किन की म्यूकोसा जली हुई है, उस पर कोई एसिड लगाओगे तो वो और जलेगा, इट कैन कॉज मोर हार्म देन एनी फायदा, सो वी डोंट रिकमेंड दैट। ओके, यू कैन टेक कोई एंटी फंगल क्रीम लगा लो, उससे जल्दी ठीक हो जाएगा, आगे ना हो उसके लिए आपको अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। एक आइडियल वेज डाइट, हमारा वीडियो देख लीजिए, आइडियल वेज डाइट ट्राई करिए और बढ़िया रहिए। नितिन त्यागी जी कह रहे हैं, मेक अ वीडियो ऑन मॉस्किटो किलर इक्विपमेंट, इट इज डेंजर, इज इट? इट इज डेंजरस वेन पीपल ब्रीदिंग लाइक ऑल आउट एक्सेट्रा, वेरी गुड, आई हैव टू लुक इन टू इट, आई विल लुक इन टू इट, ऑलराइट, डेफिनेटली। हेलो, ओके, निशीश नीतीश राज जी, विच इज़ बेटर, रोसुवास्टैटिन और एटोरवास्टैटिन? वो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। सी बेसिकली रोसुवास्टैटिन इज़ लिटिल बेटर देन एटोरवास्टैटिन, बट एटोरवास्टैटिन वर्क्स एंड एटोरवास्टैटिन इज अवेलेबल एवरीवेयर, दैट इज ऑल्सो अ की फैक्टर हियर, क्योंकि अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। हम लिख दें दूर दराज से आए पेशेंट को एटोरवास्टैटिन रोसुवास्टैटिन, उसको मिले ना तो फिर वो भी चीज़ है, इसलिए टेक्निकली रोसुवास्टैटिन माइनर से ज़्यादा है, माइनॉरिटी से, मान लो 19-20, 21-22 का फर्क है, ऐसा कुछ खास मेजर नहीं, थोड़ा सा ये होता है साइड इफेक्ट्स रोसुवास्टैटिन के कुछ कम है एज कम्पेयर टू एटोरवास्टैटिन, तो लंबे समय में आप रोसुवास्टैटिन तो प्रेफर कर सकते हो एज कम्पेयर टू एटोरवास्टैटिन, बट ऐसा नहीं है कि हर एक में ही होगा, ये मान के देख लिए 1000 में से कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ को नहीं, क्योंकि साइड इफेक्ट भी कुछ लोगों में ही होते हैं, हर एक में नहीं होते, सो मेक श्योर ऑफ दैट। ऐसे कंपेयर करोगे तो रोसुवास्टैटिन को हम ऑब्वियसली थोड़ा बेटर मानेंगे। ओके, हिमांशी अरोरा, सर आई हैव अ लॉट ऑफ पिंपल्स एंड अ लॉट ऑफ स्कार्स, सो आई यूज्ड स्किन लाइट क्रीम बट इट डिडंट वर्क इन फैक्ट स्किन बिकम वर्स्ट बिकॉज स्किन लाइट क्रीम इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ पिंपल्स और स्कार्स, you are using wrong cream for wrong purpose, okay Himanshi ji, because pimples ke liye aapko skin light cream mein basically tretinoin hai, basically hydroquinone hai aur ek type ka I think usme स्टीरॉयड भी है, सो वो तो आपका भर देगा, बढ़ा देगा ना, आपका क्या बढ़ा देगा, इन्फेक्शन को बढ़ा देगा, इसलिए आपकी स्किन इन्फेक्शन बढ़ गया बिकॉज उसमें स्टीरॉयड है। वो क्रीम लगाई जाती है अगर किसी की स्किन बिना किसी बीमारी के डार्क हो रही है, स्किन लाइट उसमें इसलिए लगाई जाती है कि मान लो कोई इन्फ्लामेटरी
कंडीशन है, इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में जमीन आसमान का फर्क है। इन्फेक्शन का मतलब है कि आपके अंदर कोई कीटाणु, कोई बैक्टीरिया, कोई आ गया है, और इन्फ्लामेशन का मतलब है कि बिना कीटाणु बैक्टीरिया के आपके पुलिस वाले, आपके शरीर के अंदर के जो पुलिस वाले कीटाणु मारक शक्तियां हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं। तो बिना कीटाणु के एक्टिवेटेड शक्तियों को शांत करने के लिए स्टीरॉयड होता है, लेकिन कीटाणु के साथ अगर आपने स्टीरॉयड दे दिया तो वो पुलिस वालों को आप घर भेज रहे हो और गुंडे मवाली घूम रहे हैं, इसलिए आपका इन्फेक्शन फैल गया है। इसलिए आपको क्या करना होगा, फिलहाल आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि आपके स्किन की कंडीशन देख के पता चलेगा कि आपको क्या करना है बेस्ट। पिंपल क्रीम आपको आगे चल के, पिंपल प्रिवेंशन क्रीम आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, बताई है। स्कार्स की ट्रीटमेंट सारी बताई है। एवं एक्सपेरिमेंट ना करा करो, ओके। सलमान खान, सलीम खान, मेरे पिंपल्स है बताएं, सेम होल्ड। एंड अगेन पिंपल्स के ऊपर वीडियो देख लीजिए प्लीज, पिंपल्स के ऊपर बहुत ही जोरदार वीडियो और सीरीज है हमारी, मतलब वो देखने के बाद भी अगर आपको डाउट है ना तो हमसे बात करिएगा, ओके। ऑल राइट, यूट्यूब प्रोफेशनल कह रहे हैं सर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों लो क्यों होता है। जनाब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हम आपको मुबारक देंगे। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने हमारा ब्लड प्रेशर की सीरीज में कुछ भी नहीं देखा, देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। मगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो है कि जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट में से खून बाहर निकलता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तब भी प्रेशर जीरो नहीं होता, तब भी आपकी खून की नसों में प्रेशर रहता है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक से तो लो ही होगा, क्योंकि सिस्टोलिक में तो पंप कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो डायस्टोलिक में जब वो रिलैक्स कर रहा है तो वो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होता है लेकिन जीरो नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली जीरो रहेगा तो खून रुक जाएगा। जहां भी खून रुकेगा शरीर के अंदर क्लॉट बनेगा, क्लॉट नहीं बनना चाहिए इसलिए खून नहीं रुकता, आगे चलता रहता। इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक से कम होता है। और अगर आपका डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल रेंज से भी कम है, दैट मीन्स कि या तो आपके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम है, पानी कम है, राइट, या तो आपके अंदर कोई एक्चुअल सीरियस बीमारी हो रही है कि पानी जो है उसमें से छूट के इधर उधर भाग रहा है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो वॉल्यूम इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन गो लो। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर खासकर यंग एज में ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यंग एज में डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना कम हो जाना ज़्यादा मायने रखता है, और ओल्ड एज में सिस्टोलिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो ये हुई आपकी शॉर्ट में जानकारी, बाकी जानकारी आप मेरे चैनल के ब्लड प्रेशर की सीरीज देख के कर सकते हैं। उस सीरीज में तो जनाब बहुत ही सारे वीडियो हैं, मतलब 45 के आसपास वीडियो है, तो आप फर्स्ट सेकंड दो वीडियो कंपलसरी देखिए, उसके बाद आप देखिए सीरीज में आपके ऐसे ही जैसे सवाल आप पूछ रहे हैं वैसे ही सवालों के जवाब दिए गए हैं बाकी 40 वीडियो में। सो वो सवालों के जवाब आप देख सकते हैं। सो गोपी सिंह जी कह रहे हैं कि इफ वी ईट कोलेस्ट्रॉल इन फूड मोर देन लिवर मेक्स लेस देन सैचुरेटेड फैट इज द कल्प्रेट फॉर ब्लॉकेज। नहीं गोपी जी, एक तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजिंग है, बट इफ वी ईट कोलेस्ट्रॉल इन फूड्स मोर देन लिवर मेक्स लेस देन सैचुरेटेड फैट इज द कल्प्रेट ऑफ ब्लॉकेज। देखिए पहले मैं बता दूँ, आपकी ब्लॉकेज का कल्प्रेट ना तो सैचुरेटेड फैट है, ना तो कोलेस्ट्रॉल है, ना तो लिवर है, ना तो फैट है, ठीक है। आपकी अगर खून के अंदर कहीं भी दिमाग में, हार्ट में, पैरों में कहीं भी ब्लॉकेज आई है तो उसके जिम्मेदार हो आप, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सिगरेट, आपकी बीड़ी, आपकी तंबाकू, आपकी एक्सरसाइज नहीं करना, आपका स्ट्रेस लेना और आपकी अच्छी डाइट ना लेना। इस वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी खून की नसों में आते हैं क्रैक्स। जब आपकी खून की नसों में आएंगे क्रैक्स और उसकी होगी इलास्टिसिटी कम, तो गरीब आपका शरीर क्या करेगा, अगर चोट लगेगी तो वो हील तो करेगा ना, जब खून बहेगा कहीं से तो वहाँ पे क्लॉट तो बनेगा ना, तो वैसे ही अंदरूनी जब क्रैक बनेगी तो वहाँ पे भी प्लेटलेट जमा होंगे, क्लॉट बनेगा, और वो प्लेटलेट स्टिकी होते हैं, उस पे जाके कोलेस्ट्रॉल जमा होगा। तो प्राइमरी कोलेस्ट्रॉल की गलती नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कम भी होगा और ये उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो भी ब्लॉकेज बनेगा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो ब्लॉकेज थोड़ा ज़्यादा बनेगा, इसलिए कोलेस्ट्रॉल कम रखना अच्छी बात है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम रखना गारंटी नहीं है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इशारों को समझो क्या कहना चाह रहे हैं हम, और हार्ट की सीरीज देखो। जब आप हार्ट की सीरीज पूरी कंप्लीट करोगे आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे और आप समझ जाओगे कि ब्लॉकेज क्यों होता है, ठीक है गोपी जी। मूड थोड़ा हमारा ऐसा है,
क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ा आ रहा है, तो माफ़ करिएगा अगर कोई ऑफेंड हो जाए, क्षमा। सुमित माही सिंह, आई एम गुड, आई एम एक्साइटेड। एंड अरबाज पे, डॉक्टर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन शियाटिका। ओ यस, आई विल डू दैट, आई प्रॉमिस आई विल डू दैट। BCAA सर, रमेश जी BCAA नहीं लेना पड़ता, नहीं लेना चाहिए, यह है आपका जवाब। इसके बारे में प्रूफ सहित वीडियो आएगा, ओके। गौरव खन्ना, आई पफिनेस, आई पफिनेस जनाब नहीं सोने से होती है, सही तरीके से नहीं खाने पीने से होती है, और बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाने से होती है, और किडनी की बीमारी की वजह से होती है, और खून की कमी की वजह से होती है, प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। सो ऐसे कारण ढूंढना होगा कि आपकी आँखों में पफिनेस है तो क्यों है, क्या आपको कोई गम है, क्या आपकी आँखें नम है, मतलब देखना तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए आप जाइए एक बार डॉक्टर के पास, दिखाइए और एग्जामिनेशन कराइए। एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि क्या क्या लाइकली कॉज है, उसके हिसाब से लाइकली टेस्ट कराए जाएंगे और पता चलेगा आंखों में पफिनेस क्यों है, ठीक। शान खान सर, खजूर के क्या फ़ायदे हैं? आए हाय, खजूर भाई साहब बहुत ही अच्छा फ्रूट है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा उसमें शुगर है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत बड़ा है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़े के चलते अगर आप मोटे हैं तो आप खजूर कम खाएंगे, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। अगर आप रोटी के साथ खजूर खा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आप भूखे हैं तो आप खजूर खा सकते हैं। अगर आप कहीं आइलैंड में जा रहे हैं जहाँ खाना नहीं है तो खजूर लेके जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है, खजूर में बहुत ज़्यादा ताकत है, खजूर में बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट है, उसमें थोड़ा विटामिंस भी है, ऑब्वियसली सब में होते हैं, सारे फ्रूट में है तो वो क्यों छूट जाएगा। तो खजूर में ये है, खजूर के बारे में कुछ याद रखना है तो खजूर इज़ अ वेरी हाई ग्लाइसीमिक फूड। तो उसमें यही देखो, खजूर देखो और शुगर देखो, शक्कर खजूर रोटी हरी बहुत सारी एक सामान, ओके। सो खजूर ये, शियाटिका मैनेजमेंट, शियाटिका के वीडियो के लिए वेट कर लीजिए। शियाटिका का मैनेजमेंट उसके कॉज पे डिपेंड करता है, आपकी पीठ पे नस दब रही है, अगर पीठ की नस बहुत ज़्यादा दब रही है तो फिर आपको करना होगा ऑपरेशन, नस के ऊपर से प्रेशर हटाना होगा। अगर नस कम दब रही है तो फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस से आप उसको मैनेज कर पाएंगे, और आपको खानी होगी दवाएं जिससे कि नस के ऊपर से अगर कोई कवरिंग निकल गई है तो उसको चढ़ाने के लिए विटामिन B12 की और प्रीगाबालिन की, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो ठीक करनी होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की तो ठीक करनी होगी। BCAA के बारे में हम बोल चुके हैं, ड्राई कफ के बारे में हम बता चुके हैं कई बार इसी तरीके के वीडियो में। कृपया हमारे चैनल में जाके कफ वाला वीडियो देखिए, अगर उसके बाद कोई डाउट हो तो वो डाउट पूछिए, ठीक है मैडम जनाब। और कृपया एक ही सवाल एक बंदा पूछिए, 10-10 लोग एक ही सवाल 25 बार मत पूछिए, मतलब एक ही बंदा 10 सवाल मत पूछिए, इससे दूसरे लोगों को चांस नहीं मिलेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। 36 साल बीपी ही ऑलमोस्ट एम्ब्रोसेफ एट 80 खाते हैं आपके लिए। मालती जी, बीपी की दवा 36 साल में बड़ी आसानी से कम हो सकती है, बंद भी हो सकती है, अगर आप अपना ख्याल रखें तो। अगर आप हमारा बीपी की पूरी सीरीज़ देख लें और उसमें बताई गई चीज़ें सारी करें तो हम बोल रहे हैं आपको 2 महीने में आपकी दवा कम हो जाएगी और आगे चल के बंद हो जाएगी। ये सब के लिए है, अगर सही तरीके से चैलेंज नहीं, अगर ये नहीं कम होती हैं तो हमारे पास आइएगा, फिर हम आपका फ्री में इलाज करेंगे, ओके। तो पहले आप जाके बीपी का हमारा सीरीज़ देखिए और डैश डाइट शिद्दत से फॉलो करिए, ओके। बीपी बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। सर मेरा ओपन हार्ट ऑपरेशन हुआ है तो जिम ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हीलिंग के बाद, अगर घाव अंदरूनी हील हो चुके, आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं जस जी, मेरे को लगता है, या ये किसी और ने भी पूछा था, सबके ओपन हार्ट हो रखे हैं क्या? अच्छा हो तो रखते हैं बाकी, लेकिन ये सवाल पहले भी आया था, तो कर सकते हो जिम ज्वाइन, स्लोली प्रोग्रेसिवली एक्सरसाइज शुरू करिए, बहुत ज़्यादा एक दिन में नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अचीव भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है, स्लोली करिए। एक बार अपने सर्जन से मिल लो, उसके तरफ से अगर गो है तो बिल्कुल जो है, यानी कर सकते हो। सर ग्रेट विटामिन डी के लिए कमी का बताइए। सर ग्रेट विटामिन डी की कमी में आपको बहुत दिक्कत होगी, विटामिन डी की कमी मत होने दीजिए, कोशिश करिए सुबह 8 बजे से पहले कायदे से 15 मिनट धूप में चले जाइए, आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। थोड़ा फैट खाना चाहिए होता है विटामिन डी की कमी के लिए, वो फैट होता है आपकी घी, बटर, मक्खन, मलाई, तो बहुत कम मात्रा में उसको खा सकते हैं अगर बहुत दिक्कत है तो। बेसिक चीज़ है दूध की मलाई, दूध के इसमें फैट में होता है विटामिन डी, बिकॉज फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है तो जाके स्टोर होता है। तो एक बार खा लिया, या तो कोर्स कर लीजिए 8-8 कैप्सूल का कोर्स करते हैं तो
कुछ महीनों तक स्टोर हो जाता है, लेकिन रोजाना रोजाना नहीं खाते हैं तो कमी हो जाती है। इसलिए रेगुलर डाइट में विटामिन डी को रखिए, या तो फिर रेगुलर सनलाइट लीजिए। सनलाइट लेना है 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में सनलाइट मत लीजिएगा, वरना वो खराब करेगी, फायदा नहीं करेगी। तो मुझे लगता है मैं 10 सवालों के ऊपर जवाब दे चुका हूँ। इससे पहले कि 20 मिनट हो, आप लोगों को टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। अब मैं खाना खाऊंगा और आप जाके यूट्यूब पे नहीं इंस्टाग्राम पे मेरा वीडियो देखेंगे। 275 लोग हैं लेकिन सिर्फ 34 लाइक है। लगता है आप लोग हमें पसंद नहीं करते। बता दीजिए, अगर नहीं पसंद करते तो डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो, वरना लाइक कर दीजिए। ऐसा है क्योंकि या तो लाइक करो या डिसलाइक करो, पता तो चले अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज़ ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल भी हम कोशिश करेंगे रात को लाइव आने की। एंड गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर।